नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार है और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे, अपने आप में समाज के अंदर बेहद महत्वपूर्ण विषय है, आईपीसी की धारा यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 498A। क्या इसका न्याय क्षेत्र है, क्या है इसके दुरुपयोग का जवाब कैसे दें, क्या होती है, क्यों होती है धारा 498A और महिलाओं के लिए कैसे जरूरी है और क्यों महिलाओं को इस बारे में जानना चाहिए, तमाम जानकारी आपको हम देंगे। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई कानूनी दुविधा या कानूनी सवाल, कोई पेचीदगियां 498A के बारे में या इसके इतर भी कोई कानूनी सवाल आपके जहन में है तो हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक रख सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी हर सवाल के लिए बेहतर और निशुल्क कानूनी सलाह जरूर दी जाएगी। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता के शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका। 498A की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी ये है, इससे पहले कि न्याय क्षेत्र जाने, पहले दर्शकों को बताएं कि 498A है क्या दरअसल। देखिए 498A जो इसको जिसकी रचना की गई है कानून में वो ये है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार से जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए उनको मेंटल या फिजिकल हरासमेंट ना हो। कहने का मतलब ये है कि जब शादी के बाद जब महिला आएगी तो उससे कोई दहेज न मांगे, उससे या उसके किसी संबंधी से जिससे वो जुड़ी हुई है, माता पिता वगैरह से, भाई बहनों से, एक तो उससे दहेज की मांग ना करी जाए, दूसरा उसके साथ मारपीट जुल्म ना करे जाए शादी के बाद। तो इस प्रकार से महिलाओं को बचाने के लिए इस प्रकार के हरासमेंट से ये 498A धारा जोड़ी गई थी और इसका खूब तो यूज हुआ है और खूब इसका मिसयूज भी हुआ है। जी ठीक है, पहले हम यूज की बात करें, मिसयूज से पहले सर मैं जानना चाहूंगा इस मामले में कि जो प्रताड़ना आपने कहा है कि किसी भी तरीके की प्रताड़ना, उस प्रताड़ना को कैसे संदर्भित किया गया है। देखिए एक तो ये है कि किसी महिला को, शादीशुदा महिला को इस प्रकार से परेशान किया गया है कि उसने आत्महत्या तक कर ली है जी, या आत्महत्या करने के लिए उसको प्रेरित किया गया है। दूसरा ये है उसको उसके साथ फिजिकल मारपीट करी गई है और जो मेंटल टॉर्चर किया गया है। देखिए टॉर्चर फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार का हो सकता है, होता है। यदि मारपीट करेंगे तो ठीक है मेडिकल में आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए मेंटल टॉर्चर किया है विभिन्न विभिन्न प्रकार से तो उसमें मेंटल टॉर्चर को भी कवर किया गया है। या मान लीजिए आप किसी शादीशुदा महिला से दहेज की मांग करते हैं, आप कहते हैं कि इतना दिन नहीं लाएंगे आप तो घर से आपको निकाल देंगे, तो ये मानसिक टॉर्चर, मानसिक अत्याचार की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से ये जो टूल है 498A महिलाओं के लिए ये बहुत ही मददगार साबित हुआ है महिलाओं के लिए और हो भी रहा है। अब है। जी लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी कवर होता है, जो घरेलू हिंसा होती है, या सिर्फ दहेज के लिए की गई प्रताड़ना ही इसके अंतर्गत कवर होती। देखिए 498A बेसिकली क्रुएल्टी के लिए है, मतलब शादीशुदा महिला के साथ किसी भी प्रकार की यदि क्रुएल्टी होती है या अत्याचार होता है तो उसके लिए 498A है। आप शारीरिक या मानसिक किसी भी तौर पर, शारीरिक या मानसिक दोनों, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर, राइट। दूसरा क्या है, आपने कही डोमेस्टिक वायलेंस की बात, देखिए डोमेस्टिक घरेलू हिंसा के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक अलग कानून है जिसकी रचना 2005 में सरकार ने कानून बनाकर करी थी, तो उसमें अलग प्रोविजन है, उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन 498A क्योंकि पीनल है, पहले तो इसमें एक शिकायत पर ही सब लोग जेल चले जाते थे, लेकिन एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसको डायल्यूट किया गया है, उसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट आजकल नहीं होती है। इसमें मुझे लगता है जो आज का टॉपिक जो आज है वो है 498A में कोर्ट का जुरिसडिक्शन या पुलिस का जुरिसडिक्शन। जी बिल्कुल, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ सुमा पांडे जुड़ चुकी हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। सुमा पांडे बहुत स्वागत है आपका। 498A की बात हम लोग जब बात करते हैं तो क्या क्या अहम चीजें हैं जो कि महिलाओं को इस धारा के बारे में पता होनी चाहिए।
देखिए 498 ए में महिलाएं जो है, कोई महिला या उनके परिवार का कोई सदस्य जो है उनके बिहाफ में कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दाखिल कर सकता है। अब जब जिस वक्त 498 ए को इम्प्लीमेंट किया गया था उस वक्त ये काफी स्ट्रांग प्रोविजन था और उसमें तुरंत जेल हो जाती थी, जैसे SC ST एक्ट में होती है। लेकिन अब जो है इसको, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कई जगह पर इसका मिसयूज हो रहा था, और दूसरी चीज ये कि एक बार जेल जाने के बाद परिवार के जुड़ पाने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्टन गाइडलाइंस इसके लिए दे दी कि उसमें पहले आप जाएंगे मीडिएशन के लिए जाएंगे, फैमिली वेलफेयर कमिटीज का को फॉर्म किया गया, डिस्ट्रिक्ट लीगल हेल्प प्रोवाइड कराई गई, और ये बोला गया कि पुलिस जो है वो तुरंत इस पे कोअर्सिव एक्शन ना ले किसी के ऊपर, लोगों को गिरफ्तार ना करे। क्योंकि पुराने केसेस में यही हुआ था कि 498 ए में तुरंत जब गिरफ्तारी हो जाती थी तो बाद में पता चलता था कि ये झूठी FIR थी, झूठी शिकायत थी। तो 498 ए में FIR करने से पहले एक तो महिलाओं को एकदम श्योर होना चाहिए कि वो जिन चीज के लिए जा रही है वो सचमुच में उनके साथ घटित हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बचा जाना किसी के झूठी कंप्लेन दर्ज। लेकिन हम पुलिस का कोर्स ऑफ एक्शन जाने सुमा पांडे, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर कोई किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है मानसिक या शारीरिक तौर पर, तो वो शिकायत कैसे दर्ज करा सकती है? के पांडे साहब, देखिए वैसे तो कानून में कार्डिनल प्रिंसिपल ये है कि जिस स्थान पर घटना का या किसी अपराध का होना पाया जाता है वहां के लोकल थाने में या चौकी में जाकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी, क्योंकि देखिए 498 थोड़ा सा ये क्रिमिनल तो है, ये मैट्रिमोनियल केस भी है। जी, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए लड़की का मायका है तो लोकल एरिया की वजह से लड़की वालों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो वो उसमें पुलिस भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेती है और विभिन्न प्रकार से पुलिस भी टॉर्चर कर देती है। लेकिन अब जो बहस चल रही है 498 ए के जुरिडिक्शन के लिए, देखिए अभी पिछले नवम्बर में, पिछले साल नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2012 में एक रेफरेंस भेजा गया था, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डिविजन बेंच में एक वैसा ही मामला सामने आया कि उसमें भाई मान लीजिए ससुराल से लड़की को मार पीट के बाहर निकाल दिया जबरदस्ती, मान लीजिए फॉर ए मोमेंट, जी, तो उस स्थिति में क्या वो अपने मायके जाकर के वहां के लोकल थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है 498 की? अब प्रश्न ये है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है देखिए डिविजन बेंच तक तो एक कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन है, कुछ बेंच कहती है कि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, यदि मायके में पहुंच जाएंगे तब भी आप वहां के लोकल थाने में शिकायत कर सकते हैं, कुछ बेंच का ये मानना भी है कि देखिए जहां पे CRPC के हिसाब से घटना का होना पाया गया है, मतलब जहां पे आपको टॉर्चर किया गया है, मेंटल या फिजिकल मारा गया है, पीटा गया है, डिमांड की गई है, ये आप वहीं कर सकते हैं जहां पे आपका ससुराल है, मतलब मैट्रिमोनियल हाउस में। अब चूंकि कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज माने बेंचेस के आ रहे थे तो उस मामले को 3 जजों की बेंच के सामने रेफर किया गया है, अभी उस पर सुनवाई होना बाकी है, उसमें यह माननीय अदालत ये तय करेगी कि क्या ये 498 एक ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, मतलब ये कि वो अपने मायके में यदि आ जाती हैं और वो थाने में शिकायत करती हैं तो वहां के कोर्ट को क्या सुनवाई का करने का अधिकार होगा, क्या वहां की पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेगी या उस पर जांच कर लेगी? ये भी कार्रवाई लेगी, उससे पहले हम ये भी जानेंगे, सोमा पांडे में समझूंगा कि आप इसका बेहतर जवाब दें कि क्या ऐसे मामले में महिला खुद ही शिकायत कराए या उसके कोई परिजन ये जानकार भी शिकायत करा सकता है, और क्या शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने ही जाना पड़ेगा या कोई और माध्यम भी है? देखिए शिकायत दर्ज कराने की बात है तो महिला खुद भी शिकायत दर्ज करा सकती है और इसके उसके माँ बाप भी या मित्र भी उनकी तरफ से बिहाफ में, अगर उनकी कंडीशन ऐसी है, देखिए हर केस और सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं तो उसके हिसाब से वो केस दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा वो महिला आयोग वगैरह से भी सहायता ले सकती हैं, उनकी सहायता से भी वो अपनी FIR दर्ज करवा सकती हैं। जी, अभी KK शर्मा जी ने जो बताया था कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है इसकी, इसी में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि CRPC के अंतर्गत 178 और 178-179 सेक्शंस के अंदर इसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया है। एक स्पेसिफिक केस था सुनीता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें
महिला ने बहुत ही स्पेसिफिकली ये बताया था कि कहां कहां उसके साथ जो है क्रुएल्टी हुई है, और वो एलिगेशंस इतने ज्यादा स्पेसिफिक थे कि अलग अलग क्षेत्र अलग अलग लोकल एरियाज में होने के बावजूद भी उसको उसने जहां पे अपना एफआईआर दर्ज करवाया था वो गया था, तो वहां पे उसको मान लिया गया क्योंकि वहां पे भी उसकी एलिगेशंस बहुत स्पेसिफिक थे, वो बहुत ही क्लियर थी कि उसके साथ कहां कहां क्या क्या चीज घटित हुई है, वेग चीजें नहीं थी उसमें। ठीक है इनके शर्मा साहब, जैसा कि आपने कहा है इस मामले में पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है इस मामले को लेकर? देखिए पुलिस तो सीधा सिद्धांत मानती है या कानून के हिसाब से ये है कि जहां पर अपराध होने की घटना को रिपोर्ट किया जाएगा वो लोकल थाना होता है। दो तीन प्रश्न हैं, एक तो ये क्या मुकदमा हो सकता है क्या? आंसर है यस, क्योंकि जीरो एफआईआर का प्रोविजन है, वो यदि एरिया नहीं भी है तब भी इनको मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा और कंसर्न लोकल एरिया में भेज देगी। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या उस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद में जांच कर सकती है, ये भी है। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या उस एरिया का जो कोर्ट है कंसर्न कोर्ट है क्या वो उस पे उन पर मुकदमा चला सकती है या उस अभियुक्त को ट्रायल करके सजा या प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो क्या सर्कमस्टेंशियल होता है? देखिए लॉ साफ है लेकिन चूंकि ये मैट्रिमोनियल केसेस हैं इसमें तीन जजों की बेंच का निर्णय आना बाकी है केवल इस पॉइंट पे कि मान लीजिए पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया गया है तो क्या वो मायके में जाकर के थाने में लोकल शिकायत करके मुकदमा दर्ज करा सकती है क्या? ये बात पे अदरवाइज मैं लौटूंगा सर इस वक्त पंजाब से नीरज हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। नीरज अपनी बात आप रखें। हेलो जी नीरज। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए। हाँ सर ये 498 के साथ तो नहीं रिलेटेड है, समथिंग एल्स है। ये है कि 99 ईयर लीज पे अगर कोई चीज लेता देता है तो उसमें क्या लीगल राइट्स आ जाते हैं उसमें लीज के? आपकी बात हम लोग नहीं समझे सर, एक बार फिर अपनी बात दोहराइए आप। हाँ जी आपकी बात हम लोग समझ नहीं पाए सर, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पाई, अपनी बात दोहराइए आप एक बार। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई जमीन का टुकड़ा प्रॉपर्टी कोई 99 इयर्स लीज पे लेता है तो उसमें क्या मतलब लीगल राइट्स मिल जाते हैं उसको, मतलब के अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजेस आती हैं उसमें के करने से? जी ठीक है के शर्मा साहब क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए आप लीज का प्रश्न पूछ रहे हैं, 99 इयर्स तक यदि कोई लीज करी गई है तो उसका क्या है आपको लीगल राइट? देखिए ऐसा है लीज हमेशा लीज ही रहती है और वो एक खास समय के लिए होती है, खास मंथली या ईयरली आपको देना होता है। जब तक अब वो समय पूरा नहीं हो जाता आप उसको प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका उसमें कोई जैसे मालिक का या ओनर का राइट होता है उस प्रकार का उसमें आपको राइट नहीं होगा। जी ठीक है उम्मीद करता हूँ नीरज आपको बेहतर सहायता मिली है इस संबंध में, कोई और भी जानकारी आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब सोमा पांडे मैं आपके साथ आऊंगा आपके पास आऊंगा कि 498 ए के तहत ये भी बहुतायत प्रचलन देखा गया है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है, किस किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और बचाव की संभावना फिर क्या रहती है? त्यागी जी आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि आईपीसी की धारा के आईपीसी के अंतर्गत और सभी धाराओं में जितनी भी केसेस दर्ज होते हैं उनमें से चार्जशीट सिर्फ यही 498A के केसेस हैं जिसमें 93% से ज्यादा सबमिट होती है। जी तो इसका अंदाजा लग सकता है कि पुलिस की भूमिका इसमें क्या रहती होगी, पुलिस इतना प्रोएक्टिवली इसमें काम कर ले जाती है जितना और जगह पे काम नहीं करती है। दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने स्तर से लगे होते हैं इनमें और इसमें होता ये है कि नॉर्मली महिलाओं को ये मिसगाइडेंस हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड को या तो अपनी तरफ ला सकते हैं या अपने हस्बैंड को या पूरी फैमिली को जो है प्रेशराइज कर सकती है या तो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए या अलग होने के लिए। जी। ये सारा जो है एक लूप होल हमारे पूरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का माने, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, हमारे यहाँ प्रोविजन तो बहुत ज्यादा बने हुए हैं। रेमेडी क्या है ये भी समझेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले चंद्रप्रकाश हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनकी बात सुन लेते हैं फिर मैं वापस आऊंगा सोमा पांडे आपके पास। चंद्रप्रकाश जी अपनी बात आप रखें, उनका संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन सोम पांडे वापस मैं आऊंगा कि इस संबंध में जो कि आपने कहा कि दुरुपयोग होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं गिरफ्तारी को लेकर के, वो गाइडलाइंस क्या हैं पुलिस के लिए?
देखिए पुलिस के लिए गाइडलाइंस तो ये है कि पहली बात वो तुरंत गिरफ्तारी नहीं करेंगे और सबसे पहले लेवल पे इसको जो है मीडिएशन के लिए भेजा जाता है जी। जब भी एफआईआर दर्ज होती है एफआईआर को मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। मीडिएशन में जाने के बाद वहां पे अगर बैठ करके सुलह समझौता हो जाता है तो ये एफआईआर क्वैश करा ली जाती है। अगर वहां मीडिएशन फेल होता है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, उसके बाद चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करती है जी। कोर्ट में जाने के बाद जब लड़के या उसके फैमिली जो है वहां पे बेल के लिए जाते हैं तो एक बार फिर से उसको मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग लोअर कोर्ट में जाने के बजाय 482 में हाई कोर्ट में ही अपना क्वेश्चन के लिए चले जाते हैं और हाई कोर्ट से रिलीफ लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोअर कोर्ट शायद सेम डे बेल ना दे। तो इस सब में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये एक तो ये है मीडिएशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, पुलिस सेंसिटिवली काम करे इनमें। इसमें जो है बेल अगर डाली जा रही है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में तो बेल को सेम डे पे डिसाइड किया जाए जी। ठीक है, ये कुछ जो भी बाहर बैडमिंटन फैमिली मेंबर्स हैं, जो के शर्मा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वापस उठूंगा आपके पास। के शर्मा साहब देखिए सामान्य दर्शक भी इसको देख रहे हैं तो मैं रेमेडी बता देता हूँ जी। यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठे झूठे झूठी शिकायत करी गई है 498 में प्रताड़ना की या फिर दहेज मांगने की, देखिए लड़के पक्ष पर भी उनको ये राइट होता है कि वो ये हायर अथॉरिटीज को इंक्लूडिंग जो कंसर्न थाने के लोग हैं उनको भी शिकायत करेंगे और आपके पास जो सबूत हैं या डॉक्यूमेंट हैं आप उनको बताएंगे कि ये जो डिमांड कह रही है अपनी शिकायत में ये गलत कह रही है और जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ तो उसके पीछे ये रीजन है और ये तथ्य हैं, ये सबूत हैं, ये गवाह हैं, डॉक्यूमेंट। तो आप जो है पुलिस के हायर ऑफिसर को भी ये इंटीमेशन देंगे, ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ दहेज की शिकायत हो गई तो पहले आप मुकदमा दर्ज हो जाने दीजिए, पहले मीडिएशन हो जाने दीजिए, चाहे वो एक तरफा हो चाहे दो तरफा हो, आपको भी तुरंत आजकल तो ऑनलाइन मामला चलता है, आपको भी तुरंत शिकायत करने की आवश्यकता है, आपकी भी बात सुनी जाएगी। देखिए ललिता कुमार जो जजमेंट आया है उसमें साफ साफ है, देखिए किसी भी शिकायत के आने पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी। जब आपकी शिकायत कि आप निर्दोष हैं, आपको फंसाया जा रहा है या फंसाने की कोशिश की जा रही है तो उस पर भी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद ही उसकी कंप्लेंट पे या आपकी कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाएगा। यदि आपको लगता है कि पुलिस आपको नाजायज तंग कर रही है तो पुलिस की भी शिकायत आप कर सकते हैं, ये बात लिख लीजिए जिसको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए जब मुकदमा दर्ज होता है या पुलिस बुलाती है तो बहुत परेशानी होती है। इसीलिए आपके पास भी टूल है कानूनी। ऐसा भी कोई प्रावधान है कि जो व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला का गलत शिकायत दर्ज कराती है तो बाद में फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा कानून है, इंडियन पिनल कोड में साफ साफ है, 182 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। यदि आप कोई मटेरियल तत्व छिपाते हैं या झूठी शिकायत करते हैं उस पर भी आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर गलत शिकायत देने पर या कानून का मिसयूज करने पर या मिसयूज ऑफ कोर्ट करने पर या प्रोसेस करने पर आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मुकदमा हुए हैं। मांडे में जाना चाहूंगा आपसे कि कई दफा ये प्रैक्टिस भी देखी गई है कि एक महिला का शिकायत दर्ज कराती है तो उन लोगों के नाम भी शिकायत में लिखवा दिए जाते हैं, वो चाहे इस घर में रहते हों चाहे ना रहते हों, पूरे खानदान का नाम शिकायत में लिखवा दिया जाता है, तो क्या ये कानूनी रूप से सही है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ऐसे में होता ये है कि सिर्फ बात एफआईआर लिखाने तक नहीं होती, एफआईआर लिखवाने पर आप जितने भी लोगों का नाम इंक्लूड करेंगे आपको उनके लिए स्पेसिफिक एलिगेशंस बताने पड़ेंगे कि किसने क्या किया था। आप अगर ऐसी नंद का नाम डाल रहे हैं जो कि आपके यहाँ रहती ही नहीं है, जो 10 साल 12 साल से अपने मैट्रिमोनियल हाउस में कहीं अब्रॉड रह रही है और आप उसका और उसके हस्बैंड का नाम सिर्फ इसलिए डालते हैं क्योंकि मतलब आपको अपनी एफआईआर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग बनानी है, तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि कल को जब उनके नाम निकलेंगे तो वो भी आपके ऊपर डिफेमेशन का भी केस कर सकते हैं, वो हैरेसमेंट का भी केस आपके ऊपर कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कोई भी चीज आप लिख रहे हैं आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसके सपोर्टिंग सारे सबूत भी देने पड़ेंगे, आपका बयान भी लिया जाएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। तो सिर्फ यही नहीं होता है कि एफआईआर होने तक जो है चीजें सीमित है, जैसे शर्मा जी ने बताया राइट्स दोनों तरफ है, किसी को भी बिना सुने कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं सुनाती है और वहां पे पता चल ही जाता है। हम लोग और देखते हैं कि शर्मा जाना चाहूंगा आप उस बारे में बताएं कि इन दफा पुलिस की सलिप्तता भी दिखती है किसी भी एक पक्ष की तरफ से, चाहे वो शिकायतकर्ता हो चाहे वो आरोपी पक्ष हो, पुलिस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है और अगर इन्फ्लुएंशियल कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से तो पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां और कैसे हो सकती है? देखिए मैं थोड़ा सा इस पे मैं बोलूंगा, देखिए
एक बात तो ये है कि जो पुलिस होती है वो ज्यादातर केसों में महिलाओं की तरफ से ही ज्यादा पैरवी करने लगती है। बिल्कुल। और ये भी देखा गया है कि यदि इनको लगता है कि इस शिकायत में कुछ नहीं है, ऐसे लिख के ले आए हैं, तो भी वेरी फ्रेंक वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करवा देते हैं। देखिए ये फैक्ट है, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। खैर, अब आपने कहा यदि इस प्रकार का पुलिस जो है कानून का दुरुपयोग करके किसी का साथ दे रही है तो क्या? देखिए पुलिस भी कानून से बनी हुई होती है, ऐसा नहीं है कि वो कानून के ऊपर है, उनके ऊपर भी उनके हायर ऑफिसर बैठते हैं, उनके ऊपर भी कानून है। तो आप उनकी शिकायत संबंधित सीनियर ऑफिसर से कर सकते हैं। आप यदि किसी राज्य में हैं तो वहाँ के जो मुखिया हैं डीजीपी होते हैं, या दिल्ली जैसे यूटी में जो है कमिश्नर पुलिस होते हैं, अपने यहाँ के एसएसपी को दे सकते हैं, यहाँ डीजीपी को दे सकते हैं। तो रास्ते हर तरीके के लिए खुले हुए हैं, कोई गलत करता है तो कानून आपको अधिकार देता है कि उसके खिलाफ आप कानूनी प्रक्रिया अपना सकें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप के पांडे साहब और के शर्मा साहब और सोमा पांडे इस चर्चा में शामिल होने के लिए, दर्शकों को बेहतर जानकारी इस संबंध में पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो उस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। नमस्कार।